www.radiomirchi.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लगातार महंगाई का पेट बड़ा होता जा रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, कमर्शियल गैस के दाम लगातार इजाफा होता जा रहा है। यहां तक सीएनजी के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हद तो तब हो गई है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है, जिसको सरकार ने हर गांव में हर गरीब के घर पहुंचाने का काम किया था और ये कहा था कि इस गैस सिलेंडर से घरों में जो महिलाएं हैं जिनको धुएं में खाना बनाना पड़ता है वो धुआं खत्म करने का काम करेगा, लेकिन आज गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि चूल्हे से तो धुआं खैर गायब हो गया, लेकिन अब जेब से धुआं जरूर निकल रहा है। हालात बस से बदतर है महंगाई को लेकर के। गांव की अगर बात करें तो गांव में जो गैस सिलेंडर थे वो अब भूसे में रख दिए गए हैं और चूल्हे पर लोग खाना बना रहे हैं, लेकिन शहरों में तो हालात वही रहेंगे क्योंकि यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो लगातार जो आम जनमानस है उसकी जेब ढीली हो रही है, महंगाई की परतदर बढ़ती जा रही है। आज गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पार हो गए हैं। पेट्रोल की बात करें तो 105 रुपये तकरीबन हैं। डीजल की अगर बात करें तो 96.81 रुपये हैं। तो लगातार इजाफा हो रहा है और दाम गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस तीनों के दाम आम जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3,25,00,000 उपभोक्ता हैं एलपीजी घरेलू गैस के, जो घरेलू गैस इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बोझ आम जन पे पड़ रहा है, कितना बोझ उन गांव के गरीब लोगों को पड़ रहा है जो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल की बात करें, अगर डीजल की बात करें तो डीजल की महंगाई बढ़ने के बाद हर सामान पर महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, जो पिकअप हैं, उनका जो सामान लाने ले जाने का होता है उस वो भी महंगाई बढ़ जाती है, यहाँ तक किराया भी बढ़ गया है। पेट्रोल में भी यही हालात हैं और एलपीजी गैस ने तो सीमाएं पार कर दी हैं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल फिर से गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये की सरकार द्वारा बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसे में हम कुछ हाउसवाइफ से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके किचन कितने महंगे होते जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, प्रियंका माथुर। जी प्रियंका जी, क्या अभी कल 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़े हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या बताएं सर, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे जेब खर्च पे कितना बोझ आ रहा है। और कोरोना के आर्थिक संकटों से तो हम सब जूझ ही रहे थे और उसके बाद में ये पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई और अब गैस को ले लीजिए आप, 50 रुपये बढ़ गए हैं, 1000 लगभग दाम हो ही रहा है और सिर्फ 85 पैसे कम है, उसमें भी सरकार क्यों कंजूसी कर रही है? वो भी बढ़ा सकती है, नहीं तो फिर मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ उसमें कर सकते हो तो प्लीज़ हम सभी आम जनता के लिए करिए, क्योंकि हम तहे दिल से आपको लेके आते हैं सरकार को। तो दोबारा आप लोग ले आए हैं? हाँ, लेके आए हैं तो आप पे विश्वास करते हैं। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि अगर कुछ हमारी जेब खर्च पे रहम हो सकती है तो कृपया करके करें, क्योंकि हम आर्थिक संकटों से पहले भी जूझ रहे थे और अब महंगाई भी मार रही है तो हमारे जेब खर्च पे बहुत बुरा असर आ रहा है। तो गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हैं और हाल फिलहाल अभी कुछ महीने पहले भी रेट बढ़े थे, आपको जानकारी होगी। जी, जी जी जी। तो ये लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है दामों में लगातार, तो क्या बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इससे? जी, बहुत असर पड़ रहा है। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में छोटी थी तो जब सबसे पहले सिलेंडर गैस घर में आया था तो उस समय क्या रेट थे, 250-300 पे, मुझे याद है कि मम्मी पापा लेते रहे होंगे, ये 90s की बात है। और आज इतना रेट हो गया है कि 1000, मानते हैं कि समय बहुत आगे बढ़ गया है पर अब इतना भी आगे नहीं बढ़ गया है कि हम आम जनताओं की जेब में पैसे नहीं बढ़ रहे हैं पर हमारे खर्च बढ़ते जा रहे हैं।
तो खर्च बढ़े तो सरकार से कुछ तो उम्मीद हम भी रखना चाहेंगे कि वो हमारी कुछ मदद करें। तो अगर इसमें कुछ सरकार कर सकती हो तो मैं तो यही गुहार लगाऊंगी कि प्लीज़ मदद करिए, कुछ जेब खर्च हमारी कम करिए। मोदी जी से कहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के समय में मैंने मोदी जी का वो वीडियो देखा था जब उन्होंने महंगाई को लेकर चर्चा की थी, तो आज वो उनके टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं कम कर रहे हैं हम लोग के लिए। हम उन पे विश्वास करके उनको लेके आए हैं, तो उन्हें भी हमारे विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। तो आज नहीं तो कल ये कोशिश मैं चाहूँगी मोदी जी से अरदास करना कि वो ये कोशिश करें कि आज नहीं तो कल जनता को फिर मौका मिलेगा। अगर मोदी जी हमारे लिए कुछ करते हैं तो ज़रूर मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी, कल जैसा कि घरेलू गैस पर 50 रुपये सरकार ने बढ़ा दिया है, जी जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अब इस पर क्या कहें, मतलब अभी तक तो हम लोग कोरोना से परेशान थे ही, लेकिन ये जो दिन में दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल लो, CNG लो, इवन मतलब छोटे छोटे घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं उनको भरने के लिए भी उसकी भी महंगाई अलग से बढ़ती जा रही है, तो इससे जो है जो नॉर्मल इंसान है, मतलब जो मिडिल क्लास का, वो तो बहुत ही परेशान है, जिसकी वजह से जो है वो ना उसकी कमाई है ठीक से, ना ही उसको नौकरियां मिल रही हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई सुविधा सरकार दे रही है, ठीक है, और दिन में दिन बस महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है जनता। तो क्या ये तो चुनाव अभी बीता है हाल फिलहाल में, तो इसके पहले जनता ने क्यों नहीं ऐसा सोचा, फिर से पुनः वही सरकार को लाई है? मतलब पब्लिक ने सोचा कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब तो वो समझेगी जनता की क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है। हाँ। और उसे सोचना भी चाहिए कि जनता इतनी परेशान है, 2-3 साल हो गया है, कोरोना ही नहीं ख़त्म हो रहा, जब भी थोड़ा सा कुछ सुधार होता है वापस से कोरोना आ जाता है, और पता ही नहीं कैसे मतलब एक पब्लिक जो है कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी, कैसे सरवाइव करेगी ऐसे लोगों के बीच में, कुछ बहुत दिक्कतें उनको आ रही हैं, मतलब ना पढ़ाई भी नहीं हो रही, पढ़ाई भी दिन में दिन महंगी होती जा रही है, उसका भी कोई तोड़ ही नहीं है कि जो है चलो, कुछ महंगाई ने कमर तोड़ रखी है महंगाई ने। इधर गैस सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूरा रसोई का बजट हम लोगों का बहुत हिल गया है। इसका दाम सरकार को जितनी जल्दी है उतना कम करना चाहिए, क्योंकि हर चीज में महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है, साबुन वाबुन सब चीज की है, तो सबसे पहले रसोई गैस, क्योंकि उसी से हमारा खाना पीना चलता है, गृहिणियों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसका दाम बढ़ने से बजाय कम होना चाहिए। इधर लगा हम लोगों को गैस के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली उसको बिलोंग करती है, जिसको गैस को लेकर के बहुत परेशानी होती है गृहिणियों को, जिस वजह से हम लोगों को ये चाहिए कि या फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस गैस के दाम थोड़े कम करें, क्योंकि हर महीने 2 महीने पे ये बढ़ता रहता है, जिस वजह से हम लोगों को बहुत किल्लत झेलनी पड़ती है, और देख ही रही है कि औरतें थोड़ा बहुत करके बचत करती हैं उसी वजह से, तो थोड़ा इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, गैस का जो सिलेंडर का दाम बढ़ा है या हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना तो हम स्त्रियों को करना पड़ता है, और खास करके मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास से बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती है, और जब गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो सबसे पहले हमारे रसोई पे इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपने रसोई से ही करती हैं, अपने परिवार का ध्यान अपने रसोई से ही करती हैं, तो जहाँ पे सिलेंडर जो हम लोग 2-3 यूज करके अच्छे अच्छे पकवान खाने और हेल्दी फूड्स वगैरह बनाया करते थे, तो वहाँ अगर हम कंजूसी करेंगे और बजट, क्योंकि हमारा बजट बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो हम उसमें कमी लाएंगे, तो जब हम कमी लाएंगे तो हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन चीज़ों पे रेट का ध्यान रखें। मुझे नहीं पता कि सरकार की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये सारी रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि रेट जो है नॉर्मल रखें, ताकि हम अपने रसोई का ध्यान अच्छे से रख सकें। गैस महंगा होने की वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत महंगाई बढ़ गई है, हमें 2 की जगह 3 यूज करना पड़ रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा गैस का रेट कम करें। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम कीर्ति गुप्ता है और मैं स्वर्ण जयंती नगर से हूँ, अलीगढ़ से। जी कीर्ति जी, ये जो 50 रुपये दाम बढ़े हैं और अब बढ़ करके अलीगढ़ में जो LPG सिलेंडर के दाम
1018 हो गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दाम जो है सिलेंडर पर। एक मिडिल फैमिलीज के लिए तो बहुत मुश्किल है 1050 का सिलेंडर लेना, और उससे नीचे तबके वाले के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि वो इतने का सिलेंडर। और सिलेंडर आजकल सबकी बहुत मेन आवश्यकता है, जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति हर काम करता है। अब रसोई पे इतनी मार पड़ना, एक गृहिणी के लिए सारा बजट खराब हो जाना है एक तरह से। और इतना बजट खराब होने के बाद में हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाएंगे, क्योंकि ये तो पेट्रोल के बिना भी एक बार को आदमी वैसे नीड है, लेकिन इतना चल जाएगा। लेकिन रसोई सिलेंडर तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है घर के अंदर मेन, उसके बिना तो बहुत ज़्यादा। इस बजट को वापस लेना चाहिए। इसे 50 रुपये क्या काफ़ी पैसे, पहले सब्सिडी मिला करती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है, अब वो भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब इसे हम कहाँ से कवर करेंगे। सब्सिडी खत्म कर दी गई, पहले 200 मिलती थी, फिर 100 मिली, फिर 50, अब बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, तो ये बहुत गलत हुआ है। जी आपका नाम? मेरा नाम साधना वार्ष्णेय है। साधना जी, जो 50 रुपये बढ़ाए गए हैं LPG सिलेंडर पर, और अलीगढ़ में अब LPG सिलेंडर 1018 रुपये का हो गया है, 1000 से ऊपर, हाँ जी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सही हुआ है या गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। इतनी महंगा, दिनों दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ, कुछ समय पहले ये 500 रुपये का था, और अब बढ़ते बढ़ते पहले 900 का हुआ, फिर उसके बाद 950, और अब 1018। मतलब बजट पर इतना बोझ बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी क्या करे। एक तरफ तो पेट्रोल पर महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो आम आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। इस पर जो सिलेंडर पर दाम बढ़े हैं उसे वापस होने चाहिए, क्योंकि इतना जो महंगा सिलेंडर हर आदमी के बस का लेने का बस का नहीं है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसके बिना चलेगा भी नहीं, रसोई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिलेंडर ही है। तो सिलेंडर अगर महंगा हो गया तो महिलाओं का तो बहुत काम मुश्किल हो जाएगा, किस तरह वो अपने रसोई का खर्च चलाएंगी। तो मेरा तो ये मत है कि बढ़े हुए दाम वापस होने चाहिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।